तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो उन दोनों को रूम दिखाता है और वहां से चला जाता है। तो वेंटो कहता है कि पहले तो मुझे बस ये ओल्ड मैन अजीब लग रहा था, अब तो मुझे पूरा का पूरा विलेज ही अजीब लग रहा है। तो यो कहता है कि हाँ सच में इस विलेज में कुछ तो अजीब है। और वो ओल्ड मैन ये भी कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने रूम से बाहर मत निकलना। तो वेंटो कहता है कि क्यों ना हम इस कमरे की तलाशी लें, अगर मेरा भाई यहाँ पर आया होगा तो शायद हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाए। तो यो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और तभी वो उस रूम की तलाशी लेने लग जाती हैं। तो फिर यो रूम में जब बेड वाली जगह चेक करता है तो वो उसे साफ नजर आती है। तो वो कहता है कि इस पूरे रूम में हर जगह मिट्टी है, तो फिर ये बेड वाली जगह क्यों साफ है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर कोई पहले रह के गया है। तो फिर यो जब बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, तो वो उसे निकाल लेता है और वेंटो को दिखाता है। तो वेंटो कहता है कि ये तो किसी चीज का बैज लग रहा है। तो फिर यो जब उस बैज को गौर से देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो लिंगन एसोसिएशन वालों का बैज है। वो लोग इस बैज को अपनी टाई या अपने शोल्डर वगैरह पे लगाते हैं। और फिर यो सोचने लग जाता है कि आखिर लिंगन एसोसिएशन वालों का इस जगह पर क्या काम और वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। मगर तभी वेंटो कहता है कि भाई जरा इधर आ विंडो के पास, बाहर तो देख। तो फिर यो जब बाहर देखता है तो वो सारे गाँव के लोग एक कफिन को घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं। तो वेंटो कहता है कि आखिर ये इतनी रात को इस कफिन को कहाँ पर लेकर जा रही है। तो यो कहता है कि पता नहीं, पर वो ओल्ड मैन शायद हमें इन चीजों से मना कर रहा था कि अगर हम ऐसा कुछ देखे तो हम अपने रूम से बाहर मत आए। तो फिर वेंटो कहता है कि तो अब हम क्या करें, बाहर जाएं या ना जाएं। तो यो कहता है कि हम बाहर जाएंगे पर उनके पीछे नहीं, बल्कि उस ओल्ड मैन के कमरे की तलाशी लेने के लिए। और फिर तभी वो उस ओल्ड मैन के कमरे में आ जाती हैं और आकर उस कमरे की तलाशी लेने लग जाती हैं। तो वेंटो कहता है कि भाई जरा इधर आ, यहाँ पर शायद कोई बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है। तो फिर यो जब वहां से कपड़ा साइड पर करता है तो वहां पर कोई बॉक्स नहीं बल्कि एक बड़ा सा बैग पड़ा होता है। तो वेंटो कहता है कि ये बैग तो ब्रांडेड लग रहा है, मतलब ये गांव में से किसी बंदे का भी नहीं है। तो फिर वेंटो उस बैग के अंदर से एक डायरी निकाल कर पढ़ता है जिसके ऊपर जापानीज लिखी होती है। और फिर वो उस डायरी को यो को भी दिखाता है और कहता है कि ये बैग किसी जापानीज का है। आखिर किसी जापानीज का बैग इस ओल्ड मैन के कमरे में क्या कर रहा है, कहीं इस ओल्ड मैन उस जापानीज को मार तो नहीं दिया। तो यो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर उसे हमें मारना होता तो वो हमें पहले ही मार देता। और फिर तभी यो को दीवार पर कुछ स्क्रैचेस नजर आती हैं। तो यो कहता है कि इस पूरे कमरे में किसी और जगह पर स्क्रैचेस नहीं है, तो फिर इस जगह पर क्यों हैं? और फिर यो जब उस स्क्रैचेस को टच करता है तो वहाँ पर एक बटन होता है जो प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बेड के नीचे खुफिया दरवाजा ओपन हो जाता है। तो वेंटो कहता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने तो अपने घर के नीचे ही एक खुफिया कमरा बना रखा है। तो यो कहता है कि मुझे ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक गुफा लग रही है। और फिर यो उस गुफा के अंदर जाता है और वो वेंटो से कहता है कि तुम बाहर ही रहना और बाहर ओल्ड मैन का ध्यान रखना, जब वो ओल्ड मैन आने लगे तो मुझे इशारा करा देना, मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगा। और फिर यो गुफा के अंदर का सीन देखता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मटके पड़े होते हैं। तो यो सोचने लग जाता है कि आखिर इन मटकों में क्या है। और तभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर यो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और तभी वो बीस्ट स्नेक यो पर अटैक कर देता है, मगर यो जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर वेंटो कहता है कि यो आखिर नीचे क्या चल रहा है। तो यो कहता है कि कुछ नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ और नीचे मत आना। मगर तभी वेंटो नीचे आ जाता है और कहता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं, बता क्या हुआ है। तो यो कहता है कि अबे लांती अपने पीछे देख। तो फिर वेंटो जब अपने पीछे स्नेक बीस्ट को देखता है तो वो डर जाता है और तभी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो फिर वो स्नेक बीस्ट मौके का फायदा उठाकर वेंटो को खाने लगता है, मगर तभी वो रुक जाता है और स्पिरिट बनकर वहां से गायब हो जाता है। तो फिर यो वेंटो के पास आता है और कहता है कि भाई तू ठीक है ना। तो वेंटो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर तभी यो अपने सामने दो लोगों को आते हुए देखता है जो कि लिंगन एसोसिएशन से होते हैं। तो यो कहता है कि तुम दोनों, तुम तो वही हो ना जो लिंगन एसोसिएशन में मेरा टेस्ट ले रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, पर तुम डीमन पावर वाले यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यो कहता है कि सबसे पहले तुम बताओ, ये डीमन स्नेक तुम्हारा था। तो बैशी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बीस्ट को समन कर सकता हूँ, पर मेरे बीस्ट किसी ऑर्डिनरी इंसान पर अटैक नहीं करते। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे अंदर उसे डिमोनिक पावर नजर आई थी, इसलिए उसने तुम पर अटैक किया। ज्यादा अंधेरे की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, वरना मैं अपने बीस को रोक लेता। अभी जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। तो यो कहता है कि मुझे तुम्हारे सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ कि कहीं तुम मेरा दोबारा टेस्ट लेने तो नहीं आए ना। तो कायदा कहते हैं कि ज्यादा अकर्मा
बात दिखाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर दफा तुम्हारा ही टेस्ट लेते रहें। तो जो कहता है कि अच्छा तो कहीं तुम दोनों मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे ना। तो फिर कायरा गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या हम तुम्हें पागल नजर आते हैं? जो तुम पर नजर रखे, हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मिशन पर आए हैं। तो फिर यो अपने मन में कहता है कि इसके गुस्से से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सच कह रही है। तो फिर बाइशी कहता है कि हमें इस जंगल में डीमन के निशान मिले थे, इसलिए हम इस पर इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तो फिर यो कहता है कि आखिर तुम दोनों इस गुफा में कैसे पहुंचे? तो बाइशी कहता है कि ये एक बड़ी लंबी कहानी है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में सुनाई जाएगी, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। We'll be right back.